इसका कलर चार्ट ये आ गया इसका सर पूरा सूट और ये आ गया सर इसका कलर चार्ट पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर थोड़ा बाजू वर्क जी सर इसका दुपट्टा और ये आ गया इसका सूट और ये आ गया सर इसका कलर चार्ट पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। सर 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे इसी रेट से दूंगा जिस रेट से मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ये पूरा हैंडवर्क में देखिए कपड़ा आएगा प्योर जाम कॉटन। ये देखो सर आप चीज अब ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट दोस्तों आज मैं आपको लगा लेडीज सूट के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के पास आइए मैं नाथन सर से। सर इस बार क्या लेके आए वीडियो के लिए? सर लेके बहुत कुछ आए हैं हमारा पिटारा जो है हमेशा भरा रहता है। सबसे पहले जितने भी हिंदुस्तान के कपड़े के व्यापारी कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या कोई भी इंसान कपड़े का व्यापार करने की सोच रहा है मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। राधे राधे परिवार लेडीज सूट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा। सर किस टाइप के सूट मिल जाता है आपके पास? हर तरीके की रेंज मिलती है 120 रुपए से लेके और 1500 रुपए तक की वैरायटी में हम लोग डील करते हैं। ठीक है टोटल 44 रेंज है रेंज मतलब रेट के हिसाब से और 7500 वैरायटी है। हमारी जो सबसे बड़ी तीन खासियत है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी कपड़े के व्यापारी के पास नहीं मिलेंगी। पहली चीज हम जो चीज बनाते हैं जिस रेट से बड़े चांदनी चौक के या पूरे हिंदुस्तान की कपड़ा मार्केट के होलसेलर को जाता है उसी रेट से आपको कपड़ा मिलेगा। दूसरी चीज हमारी हर गड्डी पे रेट लिखा है किसी के लिए फर्क नहीं है कोई एक गड्डी लेके जाता है कोई 100 गड्डी लेके जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात कि मैं कपड़ा बनाता हूँ तो मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती। ठीक है चाहे आप वीडियो में देखो चाहे आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उस नंबर पे हेलो डाल के मैसेज डाल के वैरायटी मंगवाओ और चाहे आप यहाँ के देखो जो चीज जिस रेट से आप देखोगे उसी रेट से आपको मिलेगी। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। राधे राधे परिवार की टोटल 3 ब्रांचेज है सूरत अहमदाबाद और दिल्ली। सूरत और अहमदाबाद से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके लेडीज सूट दिल्ली हमारा आता है और दिल्ली से हिंदुस्तान की हर बड़े से बड़ी मार्केट में जाता है। कोई मार्केट ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं हम सबसे पहले टच करते हैं यूपी को। यूपी में आप आ जाओ मुरादाबाद जी। मुरादाबाद में सबसे बड़ा मार्केट है स्टेशन रोड का जी कुंवर सिनेमा कॉम्प्लेक्स। आप आ जाओ बरेली बरेली में सबसे बड़ा मार्केट है कटरामान राय कट सैलानी। आप सहारनपुर आ जाओ सहारनपुर का सबसे बड़ा मार्केट है रायवाला। आप कानपुर आ जाओ कानपुर में मार्केट है बेकनगंज जनलालगंज। आप इलाहाबाद आ जाओ इलाहाबाद का सबसे बड़ा मार्केट है रोशनबाग और चौक। उसके बाद में आप चले जाओ कलकत्ता वेस्ट बंगाल वहां का सबसे बड़ा मार्केट है बड़ा बाजार। उसके बाद आप साउथ में आ जाओ हैदराबाद में चिकन पेट जाता है मेरा माल। हैदराबाद में मेरा माल चार मीनारा जाता है। उसके बाद में आप आ जाओ पटना पटना का जो सबसे बड़ा मार्केट है रोशन कॉम्प्लेक्स वहां मेरा कपड़ा जाता है। हिंदुस्तान का कोई मार्केट ऐसा देखो सर मैं आपको एक बात बता दूं जी कोई भी इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता उस काम को सही तरीके से सही तरीके से करने से इंसान से जुड़ के उसकी गाइडलाइन में करने से ही सफल होता है। आप क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 तो फर्स्ट नहीं आते ना भाई। बिल्कुल तो सोच आपकी क्या है मैं आपको बता दूं कपड़ा एक ऐसी चीज है जितने हाथों में से निकलेगा उतना ही महंगा होता चला जाएगा और जितना महंगा आपको मिलेगा या तो बिकेगा नहीं और बिक गया तो ग्राहक दोबारा वापसी आपके पास में आएगा नहीं। दोनों ही सूरतों में नुकसान आपका है। मैं कपड़ा बनाता हूं मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है कोई कमीशन एजेंट नहीं है कोई दलाल नहीं है। फैक्ट्री से निकला यहाँ आया और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान की हर बड़ी से बड़ी मार्केट में जाता है। मैं ये जो वीडियो पोस्ट करता हूँ कपड़ा बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं होता। मैं आपको वीडियो के दौरान कभी नहीं बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो ऑर्डर कर लो माल मंगा लो मेरा माल खत्म होने वाला है या मैं हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं एक ही बात बोलूंगा मेरा कपड़ा कभी खत्म नहीं होता। जो चीज जिस रेट से आप यहाँ देख रहे हो ना उसी रेट से आपको मिलेगी। आप अगर कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो राधे राधे परिवार। बिल्कुल सर। अब मैं आपको अपना छोटा सा एड्रेस बता देता हूँ। हमारा स्टोर संडे को बंद रहता है ध्यान रखिएगा संडे बार बार बोलता हूँ संडे को बहुत लोग आ जाते हैं या तो किसी रिटेलर से कपड़ा ले जाते हैं या किसी दलाल के संपर्क में आ जाते हैं। तो संडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे सोमवार से लेकर शनिवार दोपहर 12 बजे हमारा स्टोर ओपन होता है। 12 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में चांदनी चौक में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हो बाय ट्रेन आते हो बाय बस आते हो बाय मेट्रो आते हो अपना कन्वेंस लेके आते हो चांदनी चौक में सबसे फेमस है गुरुद्वारा साहिब शीशगंज जी उसके बराबर में है गली पराठे वाली। दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच में 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे दोनों में से किसी भी
नंबर पे आप कॉल करेंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव आपको लेके आएगा, उसके बाद आपको कहीं जाना है तो छोड़ के आएगा। रिटेल कोई हम लोग नहीं करते हैं, कोई रिटेलर हमसे संपर्क ना करे। सेट वाइज होलसेल में आपको जितना आइटम चाहिए वो सब आपको मिलेगा। एक एक गड्डी भी ले सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में। आप अगर परचेस करते हैं तो सेट वाइज आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी पर्पज से उस चीज की रिक्वायरमेंट हो। अब मैं आपको वैरायटी के तौर पर दिखाना चालू करता हूँ, मेरी स्टार्टिंग रेंज से लेके और लास्ट तक का मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाऊंगा। कुछ रैंडम मैं आपको वैरायटीज दिखाऊंगा। देखो सर, मेरा पूरा फोकस जो रहेगा ना इस वीडियो के दौरान, मैं तीन चीज आपको बताता चलूंगा। पहली, वो कपड़ा क्या है, दूसरा उसका कट कितना है और कीमत क्या है, और तीसरा क्या भाव में आप बेच सकते हो। क्योंकि मेरा मानना यह है, जो 43 साल मैंने सीखा है कि खरीदना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम है उसको बेचना। जी, क्योंकि खरीदोगे तो आपकी जेब से कुछ जाएगा, बेचोगे तो आपकी जेब में कुछ आएगा। बिल्कुल। और मैं आपको वीडियो के दौरान जो मेरी सोच है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी। अगर आप राधे राधे परिवार से जुड़ते हो, आप कपड़े का काम कर रहे हो या करना चाहते हो, तो हर 60 दिन के अंदर, साल के अंदर 6 बार जितनी इन्वेस्टमेंट आप कपड़े के व्यापार में लगाओगे, वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान साबित करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल प्रॉफिट से, मतलब ऐसा नहीं कि वो 100% 80% कमाना है, नॉर्मल प्रॉफिट रखना है 25-30% का, 60 दिन में कैसा अपने घर में पैसा आप पलट के वापसी लेके जा सकते हो। समझ रहे मेरी बात को सर आप? मेरा जो प्रॉपर एड्रेस है 2793 2793 ग्राउंड फ्लोर, गली माता वाली, चांदनी चौक, दिल्ली 6। आप कभी भी आते, मैंने आने का माध्यम आपको बता दिया, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूटिव आपको ले आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले जो मैं आज का कलेक्शन आपको दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा थान वाला सूट। जी। देखो सर, हर गड्डी किसी भी खाने से आप निकालोगे, हर गड्डी पे रेट लिखा है। देखो सर, इसका रेट है 130 रुपए का। 130 रुपए, ये 5 साल पहले भी 130 का था, आज भी 130 का है, और अगले 5 साल बाद भी आपको 130 का ही मिलेगा। कपड़ा आएगा प्योर बटर क्रेप, जी, पूरा कटाएगा 5 मीटर का। ठीक है। कितने की बिक्री आती है इसकी? 200 रुपए की। ये देखो सर, एक पीस मैंने आपके सामने, 130 का लगेगा और 200 का बिक जाएगा। 200 का सर जितना चाहो उतना बेच लो सर। 5 मीटर का सूट है, अगर इसके अंदर से 7 ब्लाउज भी बनाओगे ना, और अगर 30 रुपए का भी ब्लाउज बेचोगे तो 210 रुपए के 7 ब्लाउज बिक जाएंगे सर। जी। एक ब्लाउज बाजार में लेने जाओ, 100 रुपए से कम का ब्लाउज नहीं आता सर। जी। पूरा 5 मीटर कपड़ा आएगा, प्योर बटर क्रेप आएगी, कट 5 मीटर का रेट 130 का, बिक्री 200 रुपए की, 8-8 छूट के इसके बंडल आएंगे। ठीक है। ये देखो सर, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये देखिए, ये चौथा। एक बात और बता दूं, एम्फेसाइज कर देता हूं, हर आइटम जो मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम 100 डिजाइन, कितने डिजाइन? 100 डिजाइन मिनिमम मेरे पास में हर रेंज के अंदर आपको मिलेंगे। हर रेंज के अंदर 100 डिजाइन। हाँ, आप चॉइस आराम से कर सकते हो सर। ये पहला कलेक्शन आया 130 का। ठीक है। मैं आपको दूसरा कलेक्शन दिखाता हूँ। देखो सर, रेट इस पे भी लिखा हुआ है 150 का। 150 कपड़ा आएगा प्योर इंडो कॉटन, कट आएगा 4.5 मीटर का। जितना कट बताऊंगा सर वो एग्जैक्ट उतरेगा। यहाँ पर मिठाई के साथ में डिब्बे का वजन हम लोग नहीं तोलते। ये आ गया सर मेरा 150 रुपए का, कट आएगा 4.5 मीटर। ठीक है। एक एक पीस में आपको खोल के दिखा रहा था, आपको आइडिया लग जाए। बिल्कुल, पूरा कट आने वाला है। कम से कम डिजाइन मिलेंगे 100। जी। ये सर पूरा पीस आ गया इसका, ये 8-8 छूट के इसके बंडल आ गए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं जो आपको साबित करना चाहता हूँ, एक ही बात साबित करूंगा, हर 60 दिन में सर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हम पकड़ते हैं 25,000 की, और आपकी सोच के अनुसार एक व्यापारी अगर होलसेल डीलिंग से कपड़ा खरीदता है तो मिनिमम कितने पीस वो बेच लेगा रोज के? सर रोज के 10-15 पीस तो बेच ही लेगा सर। मैं ना 10 पकड़ता ना मैं 5 पकड़ता, मैं खाली पीस पकड़ता हूँ 5। सर देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़े के बाद ज्यादा मिलता है ना तो खुशी होती है, और ज्यादा के बाद अगर वो चीज कम मिलती है ना तो मन में मायूसी आती है कि यार 15 पीस बेच रहे थे, मेरे तो 5 ही बिके। तो मैं आपको जो फॉर्मूला बताऊंगा, छोटी सी इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं 25,000 की, 5 पीस आपको रोज के बेचने हैं, जो रेट से मैं आपको दे रहा हूँ उस रेट से आपको जो बिक्री मैं बता रहा हूँ उस भाव से बेचने, कैलकुलेटर 2 बेटा एक बार। ठीक है। देखो आपके मुंह से गलवाऊंगा सर, ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई चीज बताऊंगा तो उसमें लॉजिक नहीं होगा। मैंने दूसरा दो बेटा, ये देखो सर, मैंने आपको आइटम बताया 130 का, जी, मैंने आइटम बताया आपको 150 का। ठीक है। इन दोनों आइटमों को मिला दो, क्लब कर दो, दोनों को क्लब कर दो, आपकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 140 रुपए की। 140। मैंने आपको बिक्री बताई 200 की, कितने रुपए का नफा आया सर? 60 रुपए का। 60 रुपए का 5 पीस मैंने आपको बताया रोज के, कितने रुपए हो गए? 300। 60 से गुणा कर लो कितने हो गए सर? 18,000 रुपए हो गए। कितने रुपए लगाए आपने? 25,000। मतलब हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का कोई व्यापार मुझे ऐसा बता दो, कोई इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसी बता दो जिसमें तीन चीजें, पहली बात नुकसान नहीं लग सकता क्योंकि कपड़ा कभी खराब नहीं होता, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको बेचने का, आपको इसी तरीके से बेचना है,
और तीसरा जिस रेट से आपको मैं चीज दे रहा हूँ जिंदगी भर आपको इसी रेट से मिलेगी, तो मुझे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी बता दो जिसमें 60 दिन में पैसा आपके घर में पलट के वापस आता है। ना तो आप गोल्ड में कर सकते, ना शेयर में कर सकते, ना प्रॉपर्टी में कर सकते, ना एफडी में कर सकते, ना आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख के कर सकते, ना म्यूचुअल फंड में डाल के कर सकते। सोच क्या है, सिर्फ एक ही है, अगर आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो या अपना भविष्य किसी और व्यापार में तलाश रहे हो, तो सबसे पहले सोचो कपड़े के व्यापार के बारे में। सर मैंने आपको पहला आर्टिकल दिखाया और पहली बिक्री बताई, कितने की बताई सर? 200 रुपए की। अभी आया सर मेरा पहला फॉर्मूला 200 रुपए की बिक्री का। अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। मैं आपको दिखाता हूँ सर, कपड़ा आएगा प्योर फ्रेंच क्रेप, ठीक है, कपड़े का नाम बता रहा हूँ, आराम से खूब सर्च करो सर, मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया समाई है, हिंदुस्तान में लाखों वीडियो रोज के पड़ते हैं, खूब सर्च करो। 180 रुपए में कपड़ा आएगा फ्रेंच क्रेप विद लूरेक्स जरी, जरी का तार है सर, थोड़ा जरी का तार है पूरे सूट पे सर, आएगा पूरा 4 मीटर 70 सेंटीमीटर का। और कितने का बेच रहा है सर आपको ये? मात्र 250 रुपए। 250 का सर, मैं 180 का देके आपको ये नहीं कह रहा 350 का बेचना है, मैं ये नहीं कह रहा आपको 300 का बेचना है, 250 का बेचना है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 10-15-20 पीस बेचने हैं। रोज की एवरेज में अगर 5 पीस की एवरेज निकालते हो ना, तो 60 दिन में पैसा पलट के आपके घर में वापसी आएगा। शर्त सिर्फ दो है, इसी रेट से मिलना चाहिए और हमेशा मिलना चाहिए जी। यह आया सर मेरा पहला आर्टिकल 180 रुपए में। इसका एक डिजाइन, ये दो डिजाइन, ये तीन डिजाइन और ये चार डिजाइन। ये सर डिजाइन भी कितने 200 रुपए वाली फॉर्मूला का मैंने आपको दिखाया पहला कॉन्सेप्ट जी। अब सर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सर रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जी, 180 रुपए का। अब सर वो तो है ऑल ओवर, ये आएगा 180 रुपए में प्योर कॉटन के साथ में जरी, वो था फ्रेंच क्रेप के ऊपर जरी आएगा प्योर कॉटन में जरी। 2 मीटर का टॉप आ गया, इसके नीचे पूरा 2.5 मीटर का बॉटम आ गया जी। ये मैंने टॉप भी खोल दिया, ये मैंने आपको सामने बॉटम भी खोल दिया, ये आ गया सर पूरा 2.5 मीटर का बॉटम, ये रखे दिखाऊंगा सर मैं आपको, ऐसा नहीं बता दिया 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर का मतलब पूरा 2.5 मीटर। ये देखो सर, ये मैंने पूरा 2 मीटर के ऊपर रख दिया, ये देखो सर ये 2 मीटर आ गया और ये पूरा 2.5 मीटर आ गया आपके सामने, ये आ गया सर आपके सामने। 8-8 छूट के इसके बंडल आएंगे। रेट इसका भी सर 180 का ही है, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज के अंदर ऑल ओवर के अंदर मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ 190 रुपए की, ठीक है सर। कपड़ा आएगा रेयन कॉटन जी, कट आएगा 2 मीटर का टॉप आएगा, रेयन कॉटन आएगा सर गोल्ड प्रिंट के साथ जी। ये सर पूरा 2 मीटर का टॉप आ गया, ये मैंने आपके सामने नेकेट कर दिया, ये 2.5 मीटर का पूरा बॉटम आ गया इसके सामने, 4.5 मीटर कट आएगा पूरा, मतलब हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, हिंदुस्तान के हर कोने में, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, हर जगह जाता है सर ये, 190 रुपए का सर ये, 190 रुपए। अब 180 में मैंने आपको दिखाई दो आर्टिकल, 190 में दिखाई एक आर्टिकल, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्योर कैमरिक, ठीक है, 72x72। ये देखो सर रेट इस पे भी लिखा हुआ 200 रुपए का, 200 रुपए का रेट लिखा है। पीस आपके सामने खोल के दिखाऊंगा ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए सर, प्योर कॉटन है 72x72 कैमरिक कॉटन। राजी सर एक बार हाथ लगा के देखो सर इसको, बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत बढ़िया चलेगा सर, ये मात्र 200 रुपए का कट, 200 रुपए का कट आएगा पूरा 4.5 मीटर का, ठीक है। आगे सर पूरा पीस आपके सामने 4.5 मीटर का ऑल ओवर पूरा कैमरिक का 72x72 का, साथ में 8-8 छूट के इसके बंडल आ गए, पहला जी, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा अब सर करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ, इन सबको मिलाना है आपस के अंदर और एक धड़ा निकालना है, एक रेंज निकालनी है 250 रुपए, ठीक है। अब ये आइटम मैं आपको बताऊँ, 180 में मैंने आपको दिखाई दो, 190 में दिखाई मैंने आपको एक और 200 में दिखाई एक, 750 रुपए के 4 पीस हो गए, 4 वेरायटी के, 4 से भाग कर दो इसको, एवरेज कितने की आई 187.50 रुपए की, 250 रुपए में आपको बेचना है, कितने रुपए का नफा आया सर 62.50 रुपए का, 5 पीस आपको रोज के बेचने हैं, 312.50 रुपए इंटू में 60 कितने हो गए सर 18,750, कितने रुपए लगाए थे आपने 25,000, 60 दिन में पैसा पलट के आपके घर में वापसी आ गया। सर कोई भी चीज अगर आपको गलत लगे ना तो आप मेरा फेवर मत करना, क्योंकि मैं हूं अकेला और आपका ये जो प्रोग्राम है ये जाएगा 135 करोड़ जनता के सामने, अगर आप जनता के साथ जनता के प्रतिनिधि बन के बैठे हो ना, तो अगर मेरी कोई चीज आपको गलत लगे तो तुरंत मेरे को आप बता देना कि भाई साहब ये चीज पॉसिबल नहीं है जी। अब मैं आपको एक बात पूछूं सर, ये 250 में बिक सकता है कि कैमरिक कॉटन है सर, प्योर कैमरिक का सूट है 4.5 मीटर का, 350 का बेचोगे ना तो बिक जाएगा सर ये सूट जी। और मैं सिर्फ आपको 250 का बेचने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण है कि मैं 200 का आपको आज दे रहा हूँ, 200 का एक साल बाद भी दूंगा, 200 का एक साल पहले भी था ये, तो जब मेरा रेट कमती बढ़ती नहीं होता, मेरी कोई चीज खत्म नहीं होती, तो आप क्वांटिटी में बिलीव करो ना जी, क्यों 2 पीस 4 पीस पे अपने आपको सेट करके बैठते हो, आप 50-50 पीस रोज के बेचो, अपने रेट के होलसेलर बनो। ये आया सर मेरा दूसरा फॉर्मूला, सर पहला फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया 200 का, अब मैंने आपको दिखाया 250 का, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर जी। अब ये सर अभी जो मैंने आपको थान वाला सूट दिखाया ना सर, मैं आपको बताता थान वाला सूट होता क्या है।
थान वाले सूट में एक औरत को, एक लेडी को, एक महिला को अपने पहनने के लिए कुछ भी बनवाना हो सब कुछ बनता है। सूट सलवार लेगिंग कुर्ती गरारा शरारा प्लाजो ब्लाउज पेटीकोट साड़ी मैक्सी नाइटी गाउन इसको आप काट काट के भी बेच सकते हो, अस्तर में भी लगा सकते हो, लाइनिंग में भी लगा सकते हो, पर्दे भी बना सकते हो, बेडशीट भी बना सकते हो, तकिए भी बन जाएंगे, जो चाहो वो बनाओ सर इसके अंदर से, मल्टीपर्पज है। अब सर मैं आपको अभी जो ऑल ओवर दिखाया वो सब दिखाया बिना दुपट्टे का, अब मैं ऑल ओवर आपको दिखा रहा हूँ दुपट्टे के साथ। जी ये देखो सर, आप देखो सर रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है 220 रुपए का जी। ऑल ओवर सूट आएगा, पौने 5 मीटर का पूरा सूट आएगा, फिक्स रेट की दुकानदार जनरली, चाहे बच्चा है कोई बड़ा है कोई भी आए, यहां पर सोच एक ही है, ना कोई नया ना कोई पुराना, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई दूर का ना कोई पास का, हिंदुस्तान के हर कोने का हमारे पास व्यापारी आता है और इतनी क्वांटिटी में कपड़ा जाता है जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो सर ये आ गया दुपट्टे के साथ, कोई भी कर सकता है सर इस बिजनेस को। सर देखो कपड़े का व्यापार करने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है जी, कपड़े के व्यापार में कोई शर्त नहीं है, ठीक है, ना तो रुपए पैसे की शर्त है, ना जगह की शर्त है, ना पढ़ाई लिखाई की शर्त है, ना जेंडर की शर्त है, बिल्कुल आदमी औरत बच्चा बूढ़ा उम्र के किसी भी पड़ाव पे इस काम को कर सकता है। शर्त अगर है तो सिर्फ दो, पहली ये कि आपको उस रेट से कपड़ा मिले जिस रेट से बड़ा होलसेलर कपड़ा लेके जाता है, और दूसरा कपड़ा आप खरीदो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर की पहचान अब मैं आपको बताता हूँ। कोई इंसान अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज बनाता है और कस्टमर की डिमांड है, तो सर वो पहली बात तो खत्म नहीं करेगा। दूसरी बात उसकी हर आइटम का रेट जो होगा वो फिक्स होगा, किसी के लिए कमती बढ़ती नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हर आदमी के लिए सोच एक ही है, हर गड्डी पे रेट लिखा हुआ है। सर देखो ये वीडियो जो पढ़ रहा है ना, ये हजारों वीडियो रोज के पढ़ते हैं, अगर आपको मैन्युफैक्चरर की पहचान करनी है ना किसी भी वीडियो में, तो 3 चीजों में कर लेना। पहला तो वो कभी नहीं बोलेगा कि स्क्रीन शॉट ले लो ऑर्डर कर दो मेरा माल खत्म होने वाला है। दूसरा वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मार्केट में तेजी है 10% रेट बढ़ने वाला है। और तीसरा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड करता हूँ, पहले वीडियो का माल 2 दिन में खत्म हो जाता है, दूसरे का 2 दिन में खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार गड्डी कहीं चली और वीडियो बना के अपलोड कर दी, मतलब कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो सोच है। और यहाँ पर सोच एक ही है, जो दिखाया जैसा दिखाया वैसा ही मिलेगा। अब सर यह है मेरा 220 का कॉन्सेप्ट, सर कितने का बिकता है ये? 300 रुपए का, जितना चाहो बेच लो, आपके मन मर्जी और आपके मन मुताबिक का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। ये आया सर मेरा दुपट्टे के साथ, कट साइज पूरा रहने वाला है सर, जो बता रहा हूँ जैसा बता रहा हूँ, 4.5 मीटर का सूट है, 2 मीटर का दुपट्टा, हर साइज की लेडीज को आएगा ना। हाँ सर मेरे पास खाली एक आइटम ऐसी है जिसके साइज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वह है लेने देने वाला सूट 120 रुपए का, ठीक है, उसमें लड़कियों का सूट बनता है, लेडीज का सूट उसमें नहीं बनता है। खाली एक आइटम है मेरे पास लेने देने वाला सूट, बाकी मैं आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब सर मैंने आपको दिखाया पहला कॉन्सेप्ट थान वाला, मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, एक तो दिखाऊंगा लेने देने वाला सूट, एक मैं आपको दिखाऊंगा डेली यूज का, और एक मैं दिखाऊंगा आपको नॉर्मल पार्टी वेयर सूट। देखो सर हर गड्डी पे आपको रेट लिखा मिलेगा, 120 ये सर मेरा दूसरा कलेक्शन आया लेने देने वाले सूट का, पहला मैंने आपको दिखाया थान वाला, अब दूसरा मैंने आपको दिखाया लेने देने वाला। अब मैं आपको जो वैरायटी दिखाऊंगा उसमें फॉर्मूला फिट होता है 250 रुपए का, इसमें आपको वैरायटी मिलेगी 150 रुपए से, ठीक है। देखो सर आप दूसरा, ये तीसरा जी, और ये चौथा, सर कितने का है ये? 150। ये देखो सर पहला 160, दूसरा 160, तीसरा 160, चौथा 160, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट पहला 190, दूसरा 190, तीसरा 190, चौथा 190, ठीक है सर। अब इसी में कॉन्सेप्ट में आपको और दिखाता हूँ, ये आया सर मेरा पहला 200 रुपए का, पहला 200, दूसरा 200 जी, ये तीसरा 200 और ये चौथा 200, एक ही रेंज के अंदर हजार वैरायटी मिलने वाली है। ये तो सैंपल सैंपल है, आपको 3 वैरायटी जी, 150, 160 और 190। अब मैं आपको दिखाता हूँ 200 का आ गया, अब मैं सर आपको फॉर्मूला बताता हूँ जी, 150, 160, 190 और 200, इन चारों को क्लब कर दो, कितने रुपए के हुआ? 700 रुपए के चार, ठीक है, इसको 4 से भाग कर दो, एक पीस कितने का पड़ा एवरेज में? 175 रुपए का। आप कुछ मत करो, आप कहीं भी कपड़े का व्यापार कर रहे हो, चाहे फेरी करना चाहते हो, चाहे घर से बेचना चाहते हो, चाहे बाजार लगाना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन बेचना चाहते हो, चाहे आपकी दुकान है किसी भी कस्बे में किसी भी गांव में, 250 रुपए की सेल लगा दो, एवरेज नफा आएगा 75 रुपए सूट का जी। 5 पीस आपको रोज के बेचने हैं, नफा होगा 375 रुपए का, और 60 दिन में आपके घर में 22,500 रुपया एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई खाली 25,000 की, और आपके घर में पैसा पलट के वापसी आ गया। ना कभी रेट कमती बढ़ती होगा, ना कभी आइटम खत्म होगी, जितनी क्वांटिटी में ट्रक भर के रोज का मांगोगे ना तो सर आपको कपड़ा मिलेगा। 200, 4 पैकेट आपके सामने रखे हैं 200 के,
अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ में दिखाता हूँ, इसके अंदर 220 का जी। ये देखो सर, अब मैं ये कहता हूँ कुछ मत करो, इन दोनों को खाली क्लब कर दो आपस के अंदर जी। आपकी एवरेज कितनी आएगी? 200 प्लस 220, कितने की एवरेज आई सर? 210 रुपए की। ठीक है, अब इसकी एक एवरेज धड़ा निकाल दो, 350 का या 300 रुपए का। ठीक है, मैं कहता ज्यादा भी लालच मत करो, खाली 350 का निकाल दो, 265 रुपए शूट का नफा हो गया सर। ठीक है, 5 पीस आपने रोज के बेचने हैं और 60 दिन तक बेचने हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लो सर ईमानदारी से बताना जी। बाबू पकड़ो, लो बेटे डालो इसके ऊपर बेटा। सर ईमानदारी से बताना, क्या 350 में बिक सकता है? सर आराम से बिक जाएगा, में बिक सकता है, बिक जाएगा, 300 तो बिक सकता है, 350 भी बिक सकता है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, जब मेरी कोई चीज खत्म नहीं होती तो आप अपने ऊपर प्रेशर क्यों रखते हो कि मेरे को कम बेचना है? आप अपने ऊपर प्रेशर ये रखो कि मेरे को नफा कम रखना है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है। सर मैंने आपको दिखाया कॉन्सेप्ट 220 वाला, अब मैं आपको दिखाता हूँ सर इसी में कॉन्सेप्ट 200 वाला, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि भाई साहब ने 220 वाला तो दिखा दिया और 200 वाला नहीं दिखाया। सर कपड़ा आएगा डोला बनारसी जैकार्ड, पकड़ो बेटा सूट जरा। सर कपड़ा नहीं मिलेगा आपको 200 रुपए में, जितने में मैं आपको पूरा सूट दे रहा हूँ, 2.5 मीटर बॉटम के साथ। ये देखो सर दुपट्टा, आप देखो सर इसका सूट देखो जरा, ये देखिए सिर्फ 200 रुपए में। सर 350-400 रुपए तक भी बेचोगे तो बिक जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, छोटी सोच को रखो, क्वांटिटी ज्यादा की उम्मीद रखो ना, तभी आपको सफलता मिलेगी। सर ये आया मेरा 200, 250, 300 तक की सोच, बिक्री बता रहा हूँ सर मैं आपको। देखो सर मैं यहाँ पर कपड़ा बेचने नहीं बैठा, मैं खाली आपको उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या चलना चाहते हो, उस रास्ते की बारीक से बारीक जानकारी सही मार्गदर्शन करना है, ताकि आपको उस रास्ते पे चलने के बाद में इस चीज का दुख ना हो कि मुझे पहले से ये चीज मालूम नहीं थी। अब सर मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, अभी तक मैंने आपको दिखाया गड्डी की शक्ल में, अब मैं आपको एक एक पीस डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला सर मेरा कॉन्सेप्ट आएगा 250 रुपए का। ठीक है, 250। पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा दूं, प्योर का दुपट्टा आएगा सर इसके अंदर, डालो बेटा सूट। सर पूरा कलेक्शन आप देखोगे ना मेरा, तब आपको लगेगा सर कितने का सूट है ये, मात्र 250 रुपए, 250 रुपए। ये सर इसका सूट आया, ये सूट मैंने यहाँ रखा, और ये सर आया इसका कलर चार्ट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का 250 में मैं कॉन्सेप्ट आपको और दिखाता हूँ। कपड़ा आएगा प्योर 72x72 कैमरिक, ठीक है, प्रिंटेड टॉप आएगा, प्रिंटेड बॉटम आएगा, और साथ में प्योर कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा आएगा। कितने का आएगा सर ये? मात्र 250 रुपए। और अगर मैं वैरायटी की बात करूं, इसके अंदर डिजाइनिंग की बात करूं, तो 250 के अंदर 250 ही मेरे पास आपको वैरायटी मिलेंगी। ये देखो जरा चीज जी। अब कितने का बेचना है सर ये? 350 रुपए। ठीक है, कैसे बेचना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको दिखाया एक कॉन्सेप्ट 250 का। ठीक है सर, अब इसका देखो आप कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट 280 रुपए का। पहले सर मैं आपको इसका प्योर का दुपट्टा दिखा दूंगा एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो सर प्योर नाज़नीन का दुपट्टा आएगा, वर्क देखो जरा इसके ऊपर सर, आप वर्क भी काफी अच्छा, 400-500 रुपए का सूट में इतना वर्क नहीं मिलेगा। देखो सर कितने का सर ये? मात्र 280 रुपए का। 280। ये देखो सर, ये आ गया इसका दुपट्टा और ये आ गया इसका सूट। अब ये देखो सर इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज का 280 का मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और दिखाता हूँ। ये आएगा सर कपड़ा प्योर परंपरा, ये सारी चीज आपको 350 की बेचनी है। ये देखो सर कपड़ा आएगा प्योर परंपरा जी, कलेक्शन देखो, पूरा वर्क देखो और साथ में इसका प्योर का दुपट्टा देखो सर। ये लो बेटा पकड़ो इसका दुपट्टा जरा, देखो सर इसका दुपट्टा बिल्कुल, देखो जरा चीज। 250 के बाद सर हम आए 280 पे, ये सूट यहाँ रखा मैंने। अब देखो सर इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, वो आएगा सर 300 रुपए में, मात्र 300 रुपए में। ठीक है सर, पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ दुपट्टा। ये सर आया इसका दुपट्टा, सर आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा 300 रुपए में, लिख के दे रहा हूँ कागज के ऊपर। कपड़ा आएगा प्योर कॉटन, प्योर कैमरिक की जो आइटम है ना वो आएगी सर, ये मात्र 300 रुपए में, मात्र 300 रुपए में। देखिए कितना अच्छा सूट है सर, चमक कितनी है सर। आप इसका रखते बिकेगा, कस्टमर अट्रैक्टिव होगा इसको देख के जाएगा तो। ये तीसरा और ये चौथा, चौथा। अब इसी रेंज के अंदर 300 में कॉन्सेप्ट में आपको और दिखाता हूँ। कपड़ा आएगा प्योर जाम साटन, देखो सर जरा चीज, ये देखिए पूरा 3 हेड कवर का आएगा। इसकी भी बिक्री कितने की है? 350 रुपए की। ये सूट मैंने यहाँ रखा सर, पूरे में सीक्वेंस का काम किया सर। ये सारा आ गया इसका दुपट्टा, प्योर नाज़नीन का दुपट्टा आएगा प्योर का। ठीक है, देखो बेटा इसका दुपट्टा डाल दो बेटा सूट इसके ऊपर, ये देखिए चमक कितनी मार रहा है। देखिए कितने का सर ये? मात्र 300 रुपए।
300 रेंज में सर 1000 वैरायटी मिलने वाली है। सर, ये चुनिंदा सैंपल सैंपल है बस। पास में एक एक रेंज के अंदर ना 300-400 वैरायटी में जी। सर देखो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सर देखो ये दो 250 के, ये दो 280 के और ये दोनों 300 रुपए के। अब करना क्या, कुछ नहीं करना आपको, 250 वाले को, 280 वाले को और 300 वाले को, इन तीनों को क्लब करना है आपस के अंदर। आपकी एवरेज आएगी 276.66 रुपए की, ठीक है। और आपको बेचना 350 का, ठीक है। आपके घर में नफा आ गया 73 रुपए सूट का जी। 5 सूट आपको रोज के बेचने हैं, टोटल नफा आ गया 366 रुपए का, इंटू में 60 कितने हो गए सर, 22,000 रुपए। 22,000 रुपए कितने लगाए थे आपने? 25,000। अब सर मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, पकड़ो बेटा जरा, इधर आओ जरा बेटा। ये देखो सर, इसने पकड़े हैं 2 सूट 300 वाले, इसने पकड़े हैं 2 सूट 280 वाले, और ये तीसरे बाबू ने हमारे पकड़े हैं 2 सूट लल्ला ने 250 के, ठीक है। ये देखो सर, आपको आप जूम करके दिखाओ सर ये, और कोई हिंदुस्तान का कोई आदमी अगर ये कह दे कि ये सूट 350 में नहीं बिक सकते ना, तो सर कपड़े का काम करना छोड़ दूंगा जी। सर जो चीज दिखाऊंगा उसको साबित भी सर 500-500 भी बिक जाते हैं एरिया के हिसाब से। जो चीज दिखाऊंगा, जैसी दिखाऊंगा, और अगर कोई चीज बता रहा हूँ ना तो उसको साबित भी करके दूंगा सर। यहाँ पर 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 22 नहीं होते हैं यहाँ पर। जो चलाऊंगा ना तो आपको कछुए की चाल चलाऊंगा, खरगोश की चाल नहीं चलाऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे बिजनेस को लेकर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ोगे ना, तभी आपकी सोच पूरी होगी, और उस सोच को पूरा करने की जिम्मेदारी है राधे राधे परिवार की। दो चीजें बता दूं, ना तो कोई चीज कभी खत्म होती है और ना ही किसी चीज का रेट कभी ऊपर नीचे होता है। अब सर मैंने आपको फॉर्मूला बताया 350 का, ठीक है। मैं कहां से स्टार्ट किया था, बिक्री आपकी 200 रुपए से, 200 के बाद 250 आया, फिर 300 आया, फिर मैं 300 आया, अब मैं आया 350 में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा 320 रुपए का। 320 रुपए सर, पहले मैं आपको उसका दिखाऊंगा दुपट्टा। आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा सर 320 में, बिल्कुल। सूट तो बहुत बात की बात है, देखो सर जरा चीज आती है 150-200 का दुपट्टा मिलेगा आपको, देखिए कितना सर बढ़िया बेचना है। सर कुछ नहीं करना है आपको, एक एवरेज निकालनी है 400 रुपए, 400 रुपए इसको कैसे बेचना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सूट आया सर मेरा 320 का। अब देखो सर पहले इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कितने का कॉन्सेप्ट है सर 320 का, सिर्फ 320। 320 में एक आइटम आपको और दिखाता हूँ, आइटम का आपको नाम बता दूं, पाकिस्तानी कराची लखनवी चिकन सूट है ये, शिफली वर्क बोलते हैं इसको। पहले मैं आपको इसका दिखाऊंगा दुपट्टा, ये देखो सर इसका दुपट्टा, देखो जरा चीज, ठीक है। और ये देखो सर आप इसका पूरा का पूरा टॉप। सर जैसे ऐसा कोई सूट लेता है उसको एक कपड़े की जानकारी देंगे, जैसे बेचने का पूरा की नॉलेज बताऊंगा, कपड़े के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, कैसे व्यापार करना है वो बताऊंगा। दो चीजों की गारंटी कागज पे लिख के देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राधे राधे परिवार से जुड़ोगे नुकसान नहीं लगेगा, राधे राधे परिवार से जुड़ोगे तो 150,000% आपका काम चलेगा। अगर किसी इंसान का काम राधे राधे परिवार से जुड़ के नहीं चलता है या उसको नुकसान लग जाता है तो खुला चैलेंज करता हूँ, मैं कपड़े का व्यापार करना छोड़ दूंगा। अब यह आया सर मेरा कॉन्सेप्ट 320 रुपए का। अब देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, कितने का बेच रहे हैं सर, मात्र 400 रुपए का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब 320 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ 350 रुपए, ठीक है। देखो सर जरा चीज, सर जितने का मैं आपको सूट दे रहा हूँ ना उतने में आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल। कितना प्यारा 350 का लग रहा होगा यार, 350 का दिखा रहे हैं, पता नहीं 350 का देंगे कि नहीं देंगे। तो सर पहले मैं आपको इसकी गड्डी दिखाता हूँ, एक नहीं दिखाऊंगा, 3 गड्डी दिखाऊंगा 350 में। देखो सर रेट दिखा हुआ है ना 350 जी, 350। देखो सर इसका दूसरा कलर चार्ट 350 का जी, और ये देखो सर इसका तीसरा कलर चार्ट 350 का। 350 हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। अब बताओ सर कौन सा पीस खोलूं, इसी कलर का पीस खोल दूं जी, जो कलर का आपके सामने खुला पड़ा है, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे ना कि यार लिफाफे के अंदर क्या, हमें थोड़ा पता है पैक गड्डी में क्या है। देखो सर वो दुपट्टा खुला हुआ है, हाँ जी, ये देखो सर दुपट्टा खुल गया, दुपट्टे से दुपट्टा मिला लो इसका, देखिए ये देखो सर, ये आप दुकान पे आएंगे आपको ये रेट मिलने वाला है, पैक गड्डी। और ये डाला में पकड़ो बेटा, पकड़ो जरा, ये देखो सर दोनों हर गड्डी के ऊपर प्राइस लिखा होगा दोस्तों, जेन्युइन दुकान होने वाली है, दोनों पीस आपके सामने पड़े हैं जी, बिल्कुल। देखो सेम चीज है ना सर, सेम चीज है सर, बिल्कुल। सर जो दिखाएंगे जैसा दिखाएंगे वैसा ही मिलेगा यहाँ पर जी। धोखे के नाम पे सर इतनी बात है कि विश्वास अगर आपको एक बार करोगे ना सर, लकड़ी का बर्तन, काट का जो बर्तन है ना, राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, काट का बर्तन कभी दोबारा आंच पे नहीं चढ़ता। और कपड़े का व्यापार तो एक ऐसा व्यापार है जो एक दिन का नहीं है, जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा ना जब तक कपड़े की जरूरत उसको रहने वाली है, जिंदगी भर का व्यापार है। आपका बिकेगा तो मेरा बिकेगा सर, सबसे बड़ी बात यह है। अभी आया सर मेरा 350 रुपए का, मात्र 350 रुपए का। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पहले कलर चार्ट, कलर चार्ट भी एक बेहतरीन, ये दूसरा जी, ये तीसरा और ये चौथा। अब 350 में एक वैरायटी मैं आपको और दिखाता हूँ जी। देखो सर ये पूरा एप्लीक वर्क है, अब पूरा वर्क देखो जरा इसका,
सर कितना प्यारा स्वेटर देखिए। आप एप्लिक वर्क करवाने जाओगे ना तो 350 में आप ये एप्लिक वर्क नहीं करवा सकते। और ये देखो सर, आप इसका रजवाड़ी दुपट्टा, ये देखो सर आप इसका रजवाड़ी दुपट्टा 350 रुपए का, देखो जरा सिर्फ 350 रुपए। देखो जरा कौन सा, आप कितने का बेचना है सर? मात्र 400 का। कैसे बेचना वो मैं आपको बताता हूँ। पकड़ो बेटा दो सूट, लो बेटा पकड़ो दो सूट, और ये पकड़ो दो सूट। ये देखो सर, इसके हाथ में है 200 300 वाले 20 वाले के हाथ में, इसके हाथ में 200 320 वाले, और इसके हाथ में 200 350 वाले। अब करना क्या है, 300 वाले को, 320 वाले को, 350 वाले को, तीनों को क्लब कर दो आपस में, भाग तीन। एवरेज कितनी आई सर? 323 रुपए 33 पैसे की। आपको मैंने बिक्री बताई 400 रुपए। पहला सवाल तो ये पूछता हूँ, क्या 400 में बिक सकते हैं सर? आराम से बिक जाएंगे सर। अगर किसी रिटेल काउंटर पे जाओगे ना तो 550 600 रुपए से कमती में छूट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, छत पे अगर जाना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, एक साथ छलांग मार के छत पे नहीं पहुंच सकते, वापस नीचे ही गिरोगे आप। इसको बेचा आपने 400 का, नफा आया 70 रुपए 76 रुपए सूट का, इंटू में 5 नफा होगा, 385 का इंटू में 60 सर कितने हो गए? 23,000। कितने लगाए थे आपने? 25,000। कितने दिन बताए मैंने आपको? 60 और कितने बीच बताए? रोज के 5 जी। शर्त एक ही है, जिस रेट से दे रहा हूँ उसी रेट से दूंगा, जिंदगी भर दूंगा सर। कान पकड़ता हूँ, घुमा के नहीं पकड़ता, सीधा पकड़ता हूँ, लेकिन कस के पकड़ता हूँ। जो बात बताऊंगा पत्थर पे लकीर बताऊंगा मैं आपको। लगाओ, डालो बेटा सूट नीचे। अब देखो सर, अब इसका कलर रेंज है डालना। अब देखो सर कलर चार्ट, ये दूसरा, पहले 200 300 वाला डालो, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और सर ये मैंने आपको दिखाया 350 तक का कॉन्सेप्ट, और बिक्री कहां तक की आ गई? 200 रुपए से आपने बेचना शुरू किया था, मैं आपको ले आया 400 तक, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, अब कहां जाएंगे? अब आएंगे 380 रुपए, ठीक है। देखो सर जरा चीज, सर 600 में भी छूट मिल जाएगा ना तो गड्डी फ्री छोड़ दूंगा जी। कपड़ा आएगा प्योर फ्योना क्रेप, ठीक है। पूरा वर्क आएगा चोली पे, हैंड वर्क है सर ये, थोड़ा जूम करके दिखाओ सर, पूरा हैंड वर्क है ये, जितना देख रहे हो ना पूरा हाथ का काम है ये। सूट आएगा मात्र 380 रुपए का, ये सर मैंने सूट यहाँ रखा। अब सर इसका दुपट्टा मैंने खोल दिया, अब खोल के मैं आपको दे रहा हूँ सर, इसको मुट्ठी में बंद कर लो, पकड़ो सर इसको दुपट्टा जी। कितने का सर ये? मात्र 380 रुपए। अब इसका दुपट्टा मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ सर। देखो कपड़े का जो व्यापार है ना, उसके सबसे बड़ी सच्चाई क्या है कि कपड़ा जो है ना कीमत देख के खरीदा जाता है और खूबसूरती देख के बेचा जाता है। कपड़ा कभी भी कीमत से नहीं बिकता, कपड़ा बिकता उसके लुक से। जो पीस जितना ज्यादा खूबसूरत होगा ना उसकी कीमत उतनी ज्यादा है। कपड़ा ना वजन से बिकता, ना तोल से बिकता, ना सूंघ के बिकता, ना स्वाद से बिकता, कपड़ा बिकता लुक से। अब ये दिखाया सर मैंने आपको 380 रुपए का कॉन्सेप्ट, ये देखो सर। अब देखो सर इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब 380 में कॉन्सेप्ट में आपको और दिखाता हूँ, पहले दिखाऊंगा इसका दुपट्टा, प्योर का दुपट्टा आएगा सर। देखो जरा चीज जी, देखो जरा कॉन्सेप्ट, ये देखिए प्योर के दुपट्टे के साथ वर्क, देखो सर सूट के ऊपर जरा जी। कितने का सर ये? मात्र 380 रुपए। 380। ये देखो सर, अब ये सर आ गया इसका दुपट्टा, ये आ गया इसका सूट। अब ये देखो सर इसका कलर चार्ट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको बिक्री कहां तक लेके आया था? 400 की। अब मैं आपको बिक्री लेके जा रहा हूँ 450 की, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट और दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी बिक्री बताऊंगा सर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया 380 का, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 400 रुपए का। देखो जरा चीज, कपड़ा क्या है सर? कपड़ा आएगा प्योर रेयन कॉटन। देखो सर मैंने पहले पार्सल, रुको जरा लंबू जी एक मिनट, लंबू जी पार्सल रखो जरा इसके ऊपर, एक बार पार्सल रखो इसके ऊपर। देखो सर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बता दूं, अब घड़ी में रात को 9 बज रहे हैं जी। अभी पार्सल हमारे उठने चालू हुए हैं, हिंदुस्तान के हर कोने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल जी। और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसे है? पैकिंग, फॉरवर्डिंग, हैंडलिंग, रिसीविंग, इसका कोई चार्ज नहीं। आपका क्या लगेगा? सिर्फ किराया लगेगा 2 रुपए सूट से लेके मैक्सिमम 5 रुपए सूट तक। अब देखो सर ये मेरा माल जा रहा है फरीदाबाद जी। फरीदाबाद कहाँ हुआ? हरियाणा में। उसके नीचे आओ सर, ये मेरा पार्सल जा रहा है मेरठ। मेरठ कहाँ हुआ? यूपी में। इधर आ जाओ सर, ये मेरा माल जा रहा है सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ हुआ? यूपी में। ये नीचे आ जाओ, देहरादून उत्तराखंड। तो कहने का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान के हर कोने का टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब बिहार का, बंगाल का, यूपी का, हिमाचल का, कश्मीर का, हरियाणा का, मतलब कोई टेस्ट ऐसा नहीं जो राधे राधे परिवार के पास में अवेलेबल ना हो। अब सर ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया मात्र 400 रुपए में। अब पहले मैं आपको उसका दिखाता हूँ दुपट्टा, ठीक है। देखो सर ये आ गया इसका दुपट्टा, देखो जरा चीज जी। और ये देखो सर आप इसका कॉन्सेप्ट, अब देखो सर। अब मैंने आपको कितनी बिक्री बताई सर इसकी? मात्र 450 की। अगर रिटेल काउंटर पे जाओगे ना कम से कम 700 750 में आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाया मात्र 400 रुपए का। अब दिखाता हूँ पहले इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको बिक्री थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ 450 की। आपको करना क्या है,
320 वाला, 350 वाला, 380 वाला और 400 वाला, इन चारों को क्लब करना है आप इसके अंदर, आपकी एवरेज जो आएगी वो आएगी 362.50 रुपए और बिक्री है आपकी 450 की जी। कितने रुपए का नफा आया सर? 87.50 रुपए का, 5 पीस आपको रोज के बेचने हैं, नफा हो गया 637.50 रुपए का इंटू में 60, कितने हो गए सर? 26,250। कितने लगाए थे? 25,000 लगाए थे। कितने दिन में पलट के वापसी आ गए? 60 दिन में। गलत तो नहीं बोला सर मैंने आपको? सही बोला। अब सर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सर पकड़ो, ये आया लड़के के हाथ में 400 वाला, तू एक ही पकड़ बेटा, ये तू दो पकड़ बेटा, इधर आओ बेटा, ये देखो सर 350 का जी, और ये मैंने आपको बताई चौथा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने दिखाया आपको 320 का जी। अब सर घुमा दो एक बार जी, और खुला चैलेंज बोलता हूँ, मैंने बिक्री बताई 450 की, अगर कोई सिंगल सूट भी आपके पास 450 का नहीं बिके ना, तो मेरी गारंटी लिख के लेके जाओ कागज पे, वो चीज मेरी है जी। सर सोच एक ही बताऊंगा, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ाऊंगा आपको, अगर आपको कपड़े का व्यापार करना है या करना चाहते हो ना, तो आप सोच एक ही बना लो, कपड़ा वहां से खरीदो जहां से वो चीज बन के निकली है, और बनाने वाले की पहचान मैंने आपको शुरू में बता दी, ना तो उसकी कोई चीज कभी खत्म होगी, ना उसका रेट कभी ऊपर नीचे होगा। सर देखो मैं ये जो वीडियो पोस्ट करता हूं ना, मेरा मकसद कपड़ा बेचना नहीं है, मैं कपड़ा बनाता हूं, तो बनाने वाले की सोच क्या होती है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उसकी बनेगी ना, उतनी कॉस्टिंग उसकी कम होती चली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मशीन जितनी स्पीड से चलेगी, जितना कपड़ा वो रोज का निकालेगी, उसकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से कम हो जाएगी, और जितनी मेरी कॉस्टिंग कम होगी, उतना ही मैं आपको कपड़ा सस्ता करके दूंगा। पहली सोच मेरी ये है, और दूसरी सोच मेरी क्या है कि कोई इंसान अगर कपड़े का व्यापार कर रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के एक विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट है कि लोकल परचेजिंग ना करे, पता नहीं कितने हाथों में से निकल के कपड़ा उसके पास पहुंच रहा है, या कोई इंसान कपड़े का व्यापार करना चाहता है तो वो भी लोकल परचेसिंग ना करे, कपड़ा खरीदे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, जिस रेट से बड़े होलसेलर को कपड़ा जाता है, उसी रेट से आपको मेरे यहां से कपड़ा मिलेगा। सर मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूं ना, उसका मकसद एक ही है, एक जो कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, दो जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तीसरा जिनके पास में टैलेंट है किस चीज का, सिलाई और कढ़ाई का जी। कपड़ा सर क्या है सर? कच्ची मिट्टी है, और आप जब किसी दूसरी महिला का सूट सिल के उसको दे सकते हो, तो 10-5 सूट से शाम को बेच भी तो सकते हो जी। तीसरी सोच, चौथी सोच मेरी उन लोगों की है जहां पर लेडीज का फुटफॉल है। अब सर लेडीज कहाँ कहाँ आती जाती हैं? ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, 100-200 पीस अगर कोई लेडी अपने ब्यूटी पार्लर में रख ले, शाम तक 10 लेडीज भी मेकअप कराने आ गई, अगर 4 पीस भी बिक गए, तो महीने के 20-30 हजार की कमाई कहीं नहीं गई। उसके बाद बुटीक आता है, उसके बाद रेडीमेड वाले आते हैं, उसके बाद लहंगे वाले, साड़ी वाले, दुपट्टे वाले, फुटवेयर वाले, मनिहारी का, कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का काम करने वाले। सर लेडीज जहां जहां जाती है ना, वहां 100-200 पीस रखने में एक काउंटर बना लो, हाँ कोई बुराई नहीं है, खराब होने वाली चीज नहीं है कि कोई आलू प्याज है आज नहीं बिका तो कल खराब हो जाएगा। सर कपड़े के व्यापार की सबसे बड़ी सच्चाई मैंने आपको बता दी, कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा ना, उतना ही महंगा होता चला जाएगा। और उसके बाद जो मेरी सोच आती है, वो उन लोगों के लिए आती है जिनके घर में शादी ब्याह है। अगर शादी ब्याह में आपको बल्क में परचेजिंग करनी है, सेट वाइज क्वांटिटी में आपको कपड़ा खरीदना है, तो आपको उसी रेट से मिलेगा जिस रेट से किसी बेचने वाले को मैं यहाँ से मटेरियल देता हूँ। अब सर मैं बिक्री कहाँ तक लेके आया? 450 तक। अब मैं बिक्री लेके आऊंगा 500 की। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कितने का चाहिए, मात्र 420। पहले कॉन्सेप्ट देखना सर, चीज देखो जरा सर, आपको 600 में भी मिल जाए ना तो गड्डी फ्री छोड़ दूंगा। प्योर कैमरिक है 72-72, प्योर कैमरिक की सलवार है 72-72 की, और सर प्योर कैमरिक का दुपट्टा है, ये देखो सर दुपट्टा खोला मैंने आपके सामने, प्योर कैमरिक का दुपट्टा आएगा सर, देखो जरा दुपट्टा, इसको नमाजी दुपट्टा बोलो आप, सर पे पल्लू ढकने वाला दुपट्टा बोलो आप, पसीना पोंछने वाला दुपट्टा बोलो, कितने का? मात्र 420 रुपए का। 420 सर इसका दुपट्टा, और ये आ गया सर इसका सूट, ये देखो सर आप, अब मैं दिखाता हूँ आपको उसका कलर चार्ट, ये दूसरा, इसमें लाइट चार्ट भी मिलेगा सर, डार्क भी मिलेगा, कम से कम 400 वैरायटी दूंगा, 420 रुपए में आपको कम से कम 400 वैरायटी दूंगा। ये आया सर मेरा कितने का? मात्र 420 का जी। अब आपको बिक्री मैंने कितनी बताई है? 500 की। अब इसमें एक वैरायटी आपको और डालनी है, वो क्या डालनी है? वो डालनी है 450 की। ठीक है, देखो सर जरा पकड़ो जरा बेटा सूट, देखो सर जरा, आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा 450 में सर, देखो जरा चीज आप, देखो जरा कॉन्सेप्ट, कितने का सूट है सर? ये मात्र 450 रुपए, 450। ये आ गया सर इसका दुपट्टा, और ये आ गया इसका सूट, और ये आ गया सर इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। सर करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ, 380 वाला, 400 वाला, 420 वाला और 450 वाला, इन चारों को क्लब कर दो, आपकी एवरेज आएगी 412.50 रुपए की। आपको एक ही रेट से बेचना है 500 रुपए से, माइनस 500 इंटू में 5 इंटू में 60, कितने होगा सर? 26,250 रुपए। पकड़ो जरा बेटा सूट, सर ये आया 450 का, सर ये आया 420 का, ये आया सर 400 का, और ये आया सर 380 का। अब सर मुझे बता दो कौन सा ऐसा सूट है जो 500 में नहीं बिक सकता? सर आराम से बिक जाएगा सर, 700 में बेचोगे, 750 में बेचोगे तो भी बिक जाएगा।
लेकिन क्वांटिटी अगर आप बेचोगे ना तो आपको लगेगा बोले हमने कुछ करा है कपड़े के व्यापार में और मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होगी, 12 महीने 300 दिन 2400 घंटे इसी रेट से दूंगा जिस रेट से मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। लगा बेटे इसको, अब सर मैं अब जो वेरायटी दिखाऊंगा अब मैं आपको दिखाऊंगा 500 की, ठीक है। अभी जो 500 वाली वेरायटी इसको कैसे बेचना है आपको, बेचना है इसको 600 रुपए, ठीक है। अब मैं आपसे पहले ईमानदारी से एक सवाल करूंगा, एक सूट दिखा के, सूट है 500 का, ईमानदारी से बताना क्या 1000 में बिक सकता है? देखो सर दुपट्टा सब बिक जाएगा, ये देखो सर इसका दुपट्टा कितना अच्छा सूट है, कितने का सर? ये मात्र 500 रुपए का, मतलब 500 रुपए का। मैंने कितने का बताया आपको बेचने के लिए? मात्र 600 रुपए का जी। देखो जरा कॉन्सेप्ट, अगर किसी रिटेल काउंटर पे जाओगे ना तो कम से कम 1000 प्लस का सूट है ये जी। यहाँ सर इसका दुपट्टा और डमी लग जाएगा तो आराम से बिकेगा 999 का ये। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर सोच बनानी है तो बड़ी बना क्वांटिटी वाली जी। आप अगर मेरे यहाँ जिस रेट से मैं आपको कपड़ा दे रहा हूँ ना 15-20% तो आप अगर आगे सप्लाई करो ना होलसेल में तो आप सप्लाई कर सकते हो सर जी। मेरी सोच एक ही है कि हिंदुस्तान का हर व्यापारी जो कपड़े का व्यापार कर रहा है या करना चाहता है वो जुड़े राधे राधे परिवार से। अब सर देखो मैंने 500 में दिखाया आपको एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और दिखाता हूँ, ठीक है। सर पहले मैं आपको इसका दिखाऊंगा प्योर मलमल का दुपट्टा, ठीक है। ये देखो जरा चीज, ये देखो जरा कॉन्सेप्ट जी। सर आया इसका पूरा दुपट्टा, देखो जरा दुपट्टे का फोकस करो जरा, और ये देखो सर इसका टॉप, कितने का सूट है सर? मात्र 500 रुपए, मत 500 रुपए। चीज आपके सामने आ गई, कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, और ये सर आपके सामने मैंने दिखाया इसके कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब ये बिक्री कितने की है? 600 की। बेचना कैसे है? इसमें आपको 420 वाला, 450 वाला और 500 वाला, इन तीनों को क्लब करना है, भाग 3 से कर दो आप, आपकी एवरेज आएगी 457 रुपए, ठीक है। माइनस 600 कितने रुपए का नफा आया? 143 रुपए एवरेज सूट का नफा आया। 5 सूट आपको रोज के बेचने हैं और 60 दिन तक बेचने हैं, सर कितना नफा हो गया? 25,000 रुपए आपने लगाए, 43,000 रुपए आपके घर में वापसी आ गए सर। देखो सर जरा चीज पकड़ो जरा बेटा एक बार, पहला ये सर इसने पकड़ा बाबू ने 500 रुपए वाला, इसने पकड़ा 450 वाला, इसने पकड़ा 420 वाला और इसने पकड़ा 400 वाला। अब बताओ सर कौन सी ऐसी आइटम है जो 600 रुपए में आपकी नहीं बिक सकती? सर बिक जाएगी आराम से, काफी अच्छे सूट है। मैंने आपको 200 रुपए से बिक्री शुरू करी और 600 तक की बिक्री ले आया। अभी जो बिक्री मैंने आपको दिखाई है ना सर, ये हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली रेंज है। बिल्कुल हर आदमी जो इस रेंज तक की परचेसिंग करता है ना वो इसको आराम से खरीद सकता है। और इसके ऊपर की जो आइटम है मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया मेरा कलेक्शन 120 से शुरू होता है और 1500 तक की वैरायटी में डील करता हूँ। अब जो वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा उसके मैं आपको कुछ रैंडम सैंपल दिखाऊंगा, ठीक है। वो रैंडम सैंपल कोई 1200 वाले नहीं होंगे, 500 से ऊपर होंगे और 700 के अंदर होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा जी। देखो सर जरा चीज देखिए सर, पूरा हैंडवर्क आएगा जी, जर्कन वर्क बोलते हैं इसको। ये आ गया सर इसका पूरा टॉप, ठीक है। और ये देखो सर आप इसका पूरा कटवर्क का दुपट्टा, ये देखो सर आप इसका दुपट्टा डालो जरा बेटा थोड़ी इसके ऊपर, देखो जरा चीज, देखो सर इसका आगे दुपट्टा जी, ये देखिए कितना अच्छा सूट है। और ये देखो सर पार्टी वेयर, फुल पार्टी वेयर। देखो सर आप इसका कलर चार्ट, सर मैंने बोला ना मेरे पास में आपको लेने देने वाला सूट मिलेगा, थान वाला मिलेगा, डेली उसका पार्टी वेयर, बुटीक कलेक्शन, उसके अलावा फेस्टिवल कलेक्शन। अब देखो सर 1-1.5 महीने बाद रक्षाबंधन चल रही है, इस टाइम पे अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हो ना तो सबसे मोस्ट फेवरेबल टाइम है। 31 अगस्त की रक्षाबंधन है, आज हो गए 3 तारीख। आप 2-5 दिन में अपनी व्यवस्था बनाते हो, माल पहुंचता है, उसको सेट करते हो, सेल में डालते हो, तो रक्षाबंधन बिल्कुल करीब आती चली जाएगी और बिक्री आपकी जो है ना उसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। अभी देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब दिखाता हूं मैं आपको प्योर ऑर्गेन्जा, लोगों ने ऑर्गेन्जा का खाली नाम ही नाम सुना होगा, मैं ऑर्गेन्जा का पूरा दुपट्टा और ऑर्गेन्जा का पूरा सूट दिखा रहा हूं। ये देखो सर आप प्योर ऑर्गेन्जा है सर, ये आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा जितने का मैं आपको सूट दे रहा हूँ ना उतने में आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा सर। देखो जरा चीज आके, अब कितने का सूट है सर ये? मात्र 550। अब आपको लगेगा बोले यार भाई साहब खाली 550 का बता रहे हैं, पता नहीं 550 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर मैं आपको इसकी पैक, देखो सर कैमरा घुमाओ, देखो लड़के ने गड्डी निकाली जी, देखो दिखा बेटे 550 तो और दिखा, देखो सर टी शर्ट 550, टी शर्ट 550 सर, हाथ कंगन को आरसी नहीं पढ़े लिखे को फांसी नहीं, जो बोलोगे जैसा बोलोगे ना सर वैसा आपको साबित करके दूंगा। राधे राधे परिवार की सोच एक ही है, जो दिखा रहा हूँ जैसा दिखा रहा हूँ ना वैसा ही मिलेगा आपको बिल्कुल। ये देखो सर ये आया सर इसका कलर चार्ट 550 रुपए में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब दिखाता हूँ सर मैं आपको थोड़ा हैवी दुपट्टा, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार राधे राधे परिवार में परवीन भाई के पास में मेरे को हैवी दुपट्टे का कॉन्सेप्ट नहीं मिला। देखो सर हैवी दुपट्टा, देखो जरा चीज,
ये देखिए कितना अच्छा, कितने का सूट है ये? मात्र 700 रुपए का। 700 रुपए आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा 700 रुपए में लिख के दे रहा हूँ सर कागज जी। अगर किसी रिटेल काउंटर पे जाओगे कम से कम 1500+ की ड्रेस है ये जी। आपको कितने की बेचनी है? 900 रुपए। 900 रुपए की आराम से 35% का नफा रखो, कपड़ा बेचे चले जाओ। मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, बेचो और दोबारा मंगा लो। अब देखो सर इसका कलर चार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब दिखाता हूँ सर मैं आपको थोड़ा बुटीक, थोड़ा ब्राइडल कलेक्शन बुटीक स्टाइल में, सिंपल एंड सोबर में जी। सर कपड़ा आएगा प्योर जाम, ठीक है, जाम कॉटन का कॉन्सेप्ट आएगा और प्योर का दुपट्टा आएगा सर इसके अंदर। ये देखो सर इसका दुपट्टा, ये देखो सर आप इसका दुपट्टा देखो जरा, ठीक है जी। ये देखिए, अब ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, ये आ गया इसका सर पूरा सूट और ये आ गया सर इसका कलर चार्ट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर थोड़ा बाजू वर्क जी, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि बाजू वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो सर पूरा अफगानी बाजू आएगी, पूरे हैंडवर्क आएगा। देखो सर ये पूरा हैंडवर्क आएगा, पूरा हैंडवर्क में देखिए। कपड़ा आएगा प्योर जाम कॉटन जी। और कितने का सूट है सर ये? मात्र 650। ये देखो जरा चीज आती है। अभी तो सर आपने दुपट्टा नहीं देखा इसका, अभी तो दुपट्टा देखो सर आप इसका, जान दो बेटा सूट जा रहा है इसके ऊपर। देखो जरा चीज, देखो जरा दुपट्टा, ये देखिए सर। वैरायटी के तौर पे राधे राधे परिवार के पास में आने के बाद सामने वाला ये सोचता है बोले यार क्या लूं और क्या नहीं लूं। कोई 50,000 का माल लेने आता तो 2 लाख का बिल बन जाता सर, इतनी वैरायटी हमारे पास में। ये देखो सर इसका कलर चार्ट जी, पहला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब मैं दिखाता हूँ सर थोड़ा सा आपको जरकन वर्क जी। पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ दुपट्टा, प्योर जरकन का दुपट्टा आएगा, ठीक है। ये देखो सर, ये देखिए, देखो जरा चीज, देखो सर इसकी चीज जरा, प्योर जरकन का इसका दुपट्टा आएगा। और देखो सर इसका पूरा सूट मैंने आपके सामने डाल दिया, ठीक है। कितने का सर ये? मात्र 700 का, मात्र 700 रुपए का। ये देखो सर आप चीज, अब ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाए, वैरायटी दिखाई, मैंने आधा घंटा आपका लिया, लेकिन मैंने एक बार भी बोला कि सर स्क्रीनशॉट ले लो, ऑर्डर कर लो, माल मंगा लो, रेट बढ़ने वाले हैं, मेरा माल खत्म होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मैं कपड़ा बनाता हूँ, मेरी कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, जिस रेट से आप यहाँ देखोगे उसी रेट से आपको व्हाट्सएप पे आएगी, और जब आप राधे राधे परिवार दिल्ली चांदनी चौक में सर्च करोगे आने के बाद में तो वो सारी चीजें आपको उसी रेट से मिलेंगी। 120 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की वैरायटी में हम लोग डील करते हैं। दो चीजें आपको बता दूं, अगर आप राधे राधे परिवार से जुड़ोगे तो 1 रुपया आपका जो पैसा आप लगाओगे वो घटेगा नहीं। दूसरी बात, तरीका मैंने आपको सब बता दिया। अब इसके बाद की जो चीज है, देखो सर पहली से 12वीं तक की पढ़ाई मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा, तो ना तो पहली पास कर पाओगे ना 12वीं तक पहुंच पाओगे। मैंने आपको एक सोच बता दी, एक किताब मैंने आपके सामने खोल दी, उस किताब की पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो संडे को छोड़ के 12 बजे से लेकर दोपहर रात 8 बजे के बीच में चांदनी चौक में आप राधे राधे परिवार से संपर्क कर सकते हो। ना तो नुकसान लगने दूंगा और तरीका ऐसा ऐसा बताऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार बेचना इतना आसान हो सकता है, कि यार मैंने कपड़ा बेचने का जो तरीका राधे राधे परिवार से सीखा है वो तो वाकई में बहुत आसान है जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और एक बात मैं और बोलूंगा, अगर इस वीडियो का कंटेंट आपके मतलब का नहीं है लेकिन आपकी जानकारी में अगर इसका कंटेंट किसी और के मतलब का है तो वीडियो उसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं राधे राधे परिवार से और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, आप 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर दोनों चालू है, 12 महीने चालू है, 300 दिन चालू है, 2400 घंटे चालू जी। आप जुड़िए राधे राधे परिवार से। नमस्कार, थैंक यू सर।